प्रश्न है, कोई करे विचार, को उपदेश है, को दृढ़ है, तिसका होए उधार। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। अज जो विचार मैं आप जी दे नाल सांझिया कर रहा हाँ, उन्हां दा विषय है गुरबाणी दा असर क्यों नहीं हुंदा। अजकल अनेक वीर पैणा यह शिकायत करते ने कि गुरबाणी तो बड़ी पढ़ी जाती है पर इसका असर नहीं हुंदा, साडा मन नहीं टिकदा ते गुरबाणी साडे मना ते छाप क्यों नहीं छड़दी। आओ इस बारे गुरबाणी तो ही सेध लईए। भगत कबीर जी फरमाउंदे हन, कोई गावे को सुने हर नामा चित लाए, कहो कबीर संसार नहीं अंत परम गत पाए। भाव जो भी मनुख प्रेम नाल समझ समझ के बानी सुनदा है जा गौंदा है, इस विच कोई शक नहीं कि ओह सब तो उच्ची आत्मक अवस्था हासिल कर लेंदा है। भाव गुरबाणी दा असर जरूर हुंदा है। साध संगत जी, जेकर असी गुरबाणी दी रोशनी विच अपने जीवन वल चात मारीए तां असी तां रोज़ बाणी पढ़ते हाँ सुनते हाँ पर साडे जीवन विच अजे कोई तब्दीली नहीं आई। साडा मन अजे भी चिंता चोरियां ते विषय विकारां विच गलतान है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि कई डेरे वाले ते होर लोग यह प्रचार करते ने कि बाणी पढ़ी जाओ इसका फल मिलेगा, पर सतगुर तां सेन देंदे होए फरमाउंदे ने, सतगुर नो सब को वेखदा जेता जगत संसार, डिठ है मुक्त ना हो वही जिचर शब्द ना करे विचार। भाव जिन्ना यह सारा संसार है इस विच हरेक जीव सतगुरु दे दर्शन करता है पर निरे दर्शन कीत्या मन नू मुक्ति नहीं मिलती। जब तक जीव सतगुरु दे शब्द दी विचार नहीं करता, क्योंकि शब्द दी विचार ना होन करके बुरे कर्मा दी मैल मन तो नहीं उतरती ते बाणी विच मन नहीं लगता। सो साध संगत जी, जद असी एकाग्रचित होके ध्यान नाल बाणी पढ़ांगे ता ही सानू बाणी दी गुरु हुक्मां दी समझ पवेगी, साडा जीवन सुधरेगा ते गुरबाणी दा असर साडे जीवन जाच चो नज़र आवेगा। साध संगत जी, साडे सभना विच कुछ मनुख ऐसे हन जो बाणी नू केवल पढ़न मात्र तक सीमित रहंदे हन पर उहनां नू बाणी दी पूरन सोझी नहीं है, ना ही इस गल वल कदी ध्यान दिता जांदा है। अजिहा मनुखां विच शरदा बहुत है पर गुरबाणी कहड़ी जीवन जाच दसदी है इस बारे कदी सोचिया ही नहीं। अजिहा मनुखां तो धर्म दे नाते कुछ भी करवा लो करन नू तैयार हन। अज सिख अखवाउण वाले बहुते मनुख वर्त भी रखते हैं, अनमति रस्मां रिवाजा भी करी जाते हैं, मड़ियाँ भी पुजते हैं ते रोज़ गुरद्वारे भी नेम नाल जाते हैं। स्पष्ट है बाणी दे उपदेशां नाल कोई सरोकार नहीं, जे सरोकार नहीं तो बाणी की असर करेगी। जिस मनुख नू बाणी दे अर्थां दी समझ पै जावे ओह कदे भी अजिहे कर्म करन नू तैयार नहीं होवेगा। अज हर पिंड शहर विच डेरेवाद दे वधन दा कारण ही यह है कि कोई भी भरम पा दिओ लोग उस विच फस जांदे हन, इत्थों तक कि बाणी दे उल्ट करवाए जा रहे कर्मां नू भी धर्म ही समझी बैठे हन। अज 70 तो 80 फीसदी सिखां ने कदी सिख पंथ प्रमाणित सिख रहत मर्यादा कदी पढ़ी ही नहीं, ऐसे करके गम्मी खुशी दे मौक्यां ते धर्म दी आड़ हेठ बड़ी मनमत हुंदी है। अज गुरद्वारियां इत्थों तक कि इतिहासिक स्थलां ते भी मसिया सगरांदा ते पूरनमाशी दे उचेचे इकट्ठ हुंदे हन ते इहनां दिनां दी महानता समझाई जांदी है, पर जे कबीर जी दे शब्द दे अर्थां दी समझ पै जावे तां होर कुछ कहण दी लोड़ ही नहीं। 14 अमावस रच रच मांगै कर दी पकलै कूप परे। हुण दूजे पासे आंदे हन ओह लोग जिन्हां पास ज्ञान है पर शरदा नहीं, जां आखो कि अखरी ज्ञान है पर अंदरों कोरे दे कोरे ही हन। ज्ञानवाद मनुखां दी जिंदगी तां बड़ी सहज अवस्था वाली होनी चाहीदी है पर अक्सर देखिया जांदा है कि ज्ञानवाद मनुख भी कलपदे हन
ਤਹਾਮੇ ਤੇ ਈਰਖਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦਿਸਾਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜੀਵੀਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਨਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਹੂਣਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਲੰਗੜਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਗਿਆਨ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਪਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਤਮਕ ਉੱਚਾਈ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਦਕਾ ਬੇਈਮਾਨ ਮਨੁੱਖ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮੀ ਬਿਰਤੀ ਦਇਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਕ ਝਗੜਾਲੂ ਅਤੇ ਈਰਖਾਲੂ ਸਉ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰੀਏ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵੀਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗਾਏ ਸੁਨੇ ਆਖੇ ਮੀਚੇ, ਪਾਈਏ ਨਾ ਪਰਮ ਪਦ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੈ, ਜੋ ਲਓ ਨਾ ਕਮਾਈਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।